विजय और सरिता की शादी को 10 साल होने के बावजूद भी दोनों में वही प्यार था जो नई नवेले चोरे में होता है। दोनों का एक छोटा सा परिवार था। विजय और सरिता दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सबसे बड़ा अनमोल रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता होता है, उसी के सहारे सारी ज़िंदगी काटी जा सकती है। विजय सुबह उठकर ऑफिस चला जाता है और सरिता घर पर रहती है और सारा दिन विजय की राह देखती रहती। विजय जब घर आता तभी उसी के साथ खाना खाती और दोनों को प्यार करते। एक पल भी दोनों अलग रहना नहीं चाहते थे। एक दिन विजय ऑफिस से देर से घर लौटा, करीब रात के 11 बज चुके थे। आज सरिता बहुत गुस्से में थी। सारा दिन विजय की राह देखकर अभी तक सरिता ने खाना नहीं खाया था। विजय सीधा अपनी पत्नी के पास गया। बेडरूम में देखा तो सरिता उदास होकर खड़ी हुई थी और आंखों से आंसू टपक रहे थे। विजय सरिता को अपनी बाहों में लेने वाला ही था, तभी सरिता ने कहा, रुकिए, आप अभी आ रहे हैं, कितना टाइम हुआ है। आपको पता नहीं कि मैं आपके बिना एक पल भी दूर नहीं रह सकती। सारा दिन मैं आपके बिना कैसे रहती हूँ वह मेरा मन ही जानता है। विजय बोला, अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम तो नाराज हो गई। मेरी सुंदर पत्नी, यह हमारा बिजनेस है, हमें हर दिन काम करना पड़ता है, इसमें नाराज होने की बात क्या है। मानता हूँ कि मैं आज देर से आया हूँ, फिर से अब ऐसा कभी नहीं होगा, सॉरी यार। विजय ने सरिता से बहुत सारी माफ़ी मांगी, मगर विजय को भी फिर भी सरिता ने माफ़ नहीं किया और दोनों आज खाना खाए बिना ही सो गए। दोनों को नींद नहीं आ रही है, काफ़ी रात हो गई है, और कहते हैं ना कि किसी का सच्चा प्यार छुपा नहीं रहता। दोनों अपने आप को धिक्कार रहे थे कि ये हम क्या कर रहे हैं, आज तक हमने कभी भी झगड़ा नहीं किया है, हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं रहे हैं, क्योंकि हम सच्चे प्यार करने वाले पति पत्नी हैं। मन ही मन दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सब सोचते सोचते सरिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। सरिता मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि गलतियां तो सबसे होती है, और विजय भी अपने आप को कोस रहा है, मगर दोनों एक दूसरे से उल्टे सोए हुए थे। फिर विजय उठकर सोई हुई सरिता के सर पर अपना प्यार भरा हाथ सहलाने लगा और सिर्फ इतना ही बोला कि सरिता, क्या हम ऐसे जी पाएंगे। फिर सरिता से रहा नहीं गया और रोती हुई विजय से लिपट गई और कहने लगी, विजय जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब हम कभी नहीं रूठेंगे, सॉरी। फिर दोनों ने खूब प्यार और मस्ती की। फिर सरिता ने कहा, विजय जी, अब खाना खाएंगे। विजय हंसते हुए बोला, अगर तुम मेरे साथ खाना खाओ और वो भी अपने प्यारे प्यारे हाथों से गर्मा गर्म खाना बनाओ तो हम दोनों साथ साथ ही खाएंगे। और सरिता हंस पड़ी और कहा, आप रुकिए, मैं सिर्फ 20 मिनट में बना कर लाती हूँ, रात के 2 बज रहे थे। थोड़ी देर के बाद सरिता खाना लेकर आई और दोनों ने मिलकर एक साथ खाना खाया। फिर धीरे धीरे दोनों की ज़िंदगी आगे बढ़ी। दोनों पति पत्नी का रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होने लगा। काफ़ी समय बीता, शादी को 10 साल हो गए थे, मगर अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ था। दोनों अपने प्यार में इतने मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि हमें अभी तक बच्चा नहीं है। एक दिन की बात है, सुबह उठकर विजय ऑफिस जा रहा था तो अचानक फ़ोन बजा। सरिता पास में ही खड़ी थी। फ़ोन सरिता ने उठाया और बोली, हेलो, कौन? तो सामने से आवाज़ आई, हेलो सरिता भाभी, करण बोल रहा हूँ, विजय का दोस्त, आप अच्छी है ना भाभी? सरिता बोली, हाँ।
मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? करण ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। भाभी आप विजय को फ़ोन दीजिए। सरिता ने फ़ोन विजय को दिया और कहा, आपका दोस्त करण है। दरअसल करण के घर अपने बच्चे की खुशी में पार्टी रखी हुई थी और उन दोनों को पार्टी में इनवाइट किया था। विजय ने ऑफिस जाना कैंसिल कर दिया और दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों पहुंच गए अपने दोस्त की पार्टी में। सब लोग करण को बधाई दे रहे थे बच्चे की आने की खुशी में। फिर सरिता और विजय ने भी करण को बधाई दी। तभी विजय के दोस्त करण ने कहा, भाभी अब आप दोनों कब पार्टी देने वाले हैं? 10 साल हो गए हैं आपकी शादी को, आपने अभी तक सोचा नहीं है बच्चे के बारे में। फिर पार्टी में आई हुई एक औरत बोली, शादी को हुए 10 साल बीत गए मगर अभी तक बच्चा नहीं है। जब तक पति पत्नी के लाइफ में बच्चे नहीं होता तब तक हमारा प्यार और परिवार अधूरा कहलाता है। सरिता सामने ही खड़ी थी, उसका मन उदास हो गया और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उन्हें कभी बच्चा ना होने का महसूस ही नहीं हुआ। विजय भी बहुत उदास हो गया। पार्टी में आए हुए लोगों ने दोनों को बहुत कुछ भला बुरा सुनाया। फिर दोनों पार्टी छोड़कर चले आए। सरिता सीधे अपने कमरे में चली गई। विजय ने सोचा कि सरिता बहुत उदास हो गई है, मैं चाय बनाकर उसके पास जाता हूँ। फिर विजय ने चाय बनाई और सरिता के पास आया। जब विजय ने देखा कि सरिता रो रही थी फिर वो जाकर कहने लगा, अरे यार तुम ये क्या कर रही हो, ऐसी छोटी छोटी बातों में ना रोया करो, मुझे तकलीफ़ होती है तुम्हें रोता हुआ देखकर। फिर विजय की पत्नी कहने लगी, आपको इतनी बड़ी बात छोटी लग रही है, आपने सुना नहीं लोगों ने क्या कहा, जब तक हमें बच्चे नहीं होंगे तब तक हमारा प्यार और परिवार अधूरा है। क्या हम एक दूसरे से कम प्यार करते हैं? विजय जी अब मैं टूट चुकी हूँ लोगों की बातें सुन सुनकर। फिर विजय ने कहा, सरिता ऐसा मत कहो, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लोगों की ना सुनो। और बात रही बच्चे की तो हमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, हमारे जीवन में दरार नहीं पड़ने देंगे, अब चुप हो जाओ। दुख से भरी हुई सरिता विजय से लिपट गई और कहने लगी, आप कुछ भी कीजिए मगर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला दीजिए, मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकती। हम डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराएंगे, अच्छा सा इलाज कराएंगे। विजय अपनी पत्नी की बातें सुनकर खुश हुआ कि सरिता मेरा साथ दे रही है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऐसे प्यार करने वाले पति पत्नी हमने कहीं नहीं देखे। किसी भी मुश्किलों को प्यार में सुलझाने दोनों ने हिम्मत नहीं हारी, पर दोनों ने उन मुश्किलों का सामना किया और अगले ही दिन दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गए। और दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और डॉक्टर ने दोनों को लेबोरेटरी की और कहा, 2 घंटे में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। सरिता उदास होकर सीट पर बैठी थी। विजय का भी वही हाल था जो सरिता का था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों पति पत्नी वही सोच रहे थे कि हमारी रिपोर्ट अच्छी आए। 1 घंटे के बाद दोनों को डॉक्टर ने बुलाया और कहा, मिस्टर विजय आप दोनों में से किसी की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, इस प्रॉब्लम का इलाज हमारे पास नहीं है। यह बात सुनते ही दोनों का मन घबराने लगा। फिर विजय डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब प्लीज़ आपके पास कोई तो इलाज होगा। फिर डॉक्टर ने बताया, देखिए मिस्टर विजय यह प्रॉब्लम नई नहीं है, इस तरह की समस्या को लेकर बहुत सारे लोग आते हैं मगर उसे मेंटेन करना हमारे बस की बात नहीं है, पर हाँ मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ,
आप दोनों दिल्ली के MS हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पर आपका इलाज हो सकता है। डॉक्टर की यह बात सुनकर सरिता और विजय दोनों खुश हो गए और डॉक्टर का धन्यवाद किया और फिर अगले दिन दोनों दिल्ली के लिए निकल गए और MS हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया। डॉक्टर ने बताया कि आपको बच्चा ज़रूर होगा। यह सुनकर सरिता बहुत खुश हुई। फिर दोनों मुस्कुराने लगे। फिर दोनों का इलाज शुरू किया और करीब एक साल के बाद उनकी ज़िंदगी में एक नई खुशियाँ आई और सरिता ने एक खूबसूरत लड़की को जन्म दिया। दोनों बहुत खुश हो गए। विजय सरिता का और प्यार बढ़ गया। समय बीतता गया और आज पूरे 4 साल हो गए हैं बेटे को जन्म दिए, पर अभी तक दोनों पति पत्नी का प्यार वैसे ही है जो पहले था। वही प्यार, वही विश्वास है अभी तक दोनों पति पत्नी में। आप जानते हैं कि किस वजह से दोनों में इतना प्यार है? उसकी वजह है विश्वास। किसी के भी जीवन में अगर विश्वास ना हो तो वह कभी किसी को प्यार नहीं कर सकता। जब तक एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू कर देंगे तो अपने आप प्यार करना सीख जाएंगे। पति पत्नी का एक ऐसा बंधन है जो खुद ईश्वर ने बनाया है, जिसके साथ आप सब कुछ बांट सकते हैं। तो क्या हम अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद कर रहे हैं? पति पत्नी के रिश्ते को समझें, उनके प्यार को समझें और एक दूसरे का आदर करना सीखें, तभी इतना प्यार कर पाओगे। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।